बेटा उस दिन हमने यूनिट नंबर 8 अलजबरा का 8B एक्सरसाइज की थी। बेटा आज हम यूनिट नंबर 8 अलजबरा का एक्सरसाइज 8C करेंगे। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय एडिशन। बेटा इसको आपने एडिशन जो आप उन्होंने साइन में दिए गए हैं ना बेटा, आप क्वेश्चन इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको आपने साबित करना है किस तरह ये आपने इसको एडिशन करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 1, 3x प्लस 4x प्लस 10x प्लस 6y, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है। बेटा यहाँ आपने नोट किया होगा तीनों वैल्यू के साथ x है लेकिन y के साथ y ओनली 1 है, y वाली कोई अमाउंट नहीं है, x वाली 3 अमाउंट है। इन तीनों अमाउंट्स को बेटा आपने क्या करना है, ऐड करना है। मैंने यहाँ पर पहले इन दोनों अमाउंट्स को ऐड किया, हमारे पास क्या आया, 14 आया है। 14 में अब हम 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड करें कितने बनते हैं, 17x। लेकिन बेटा जो प्लस 6y है ना, ये एज इट इज़ नीचे ही आएगा क्योंकि y वाली दूसरी कोई अमाउंट नहीं है, इसलिए एज इट इज़ नीचे ही आएगा। जिस तरह बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया ना, सेम टू सेम रिमेनिंग क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे। बेटा ये आपने खुद ट्राई करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बेटा जो आपको एक्सप्रेशन दिए गए नीचे, इनका आपने क्या मालूम करना है, सम मीन जमा करना है, इनको आपने ऐड करना है, प्लस करना है। फिर यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की 3 अमाउंट्स हैं, ये कॉमे का मतलब है यहाँ पे 3 अमाउंट्स हैं। पहले मैंने दोनों अमाउंट्स को ऐड किया है, फिर जो एक अमाउंट रह गई थी ना, इन दोनों अमाउंट्स का जो आंस आया था ना, उस आंस के साथ मैंने तीसरी वाली अमाउंट को ऐड किया है। फिर देखिए पहले दोनों अमाउंट्स नहीं है मैंने, इन दोनों को मैंने क्या किया है, प्लस किया है। प्लस करने के बाद बेटा ये आपने याद रखना है, और यहाँ पे देखिए पहले अमाउंट है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है, तो बेटा नीचे भी x के नीचे ही x स्क्वायर आएगा। अगर 5x है इसका मतलब x के नीचे ही x आएगा। देखिए 2 खाली अमाउंट है, इसके साथ कोई x नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे 4 ही आना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, अगर x स्क्वायर तो उसके नीचे x स्क्वायर वाली ही अमाउंट आएगी, अगर x है तो उसके नीचे x वाली अमाउंट ही आएगी। बेटा इनको आपने प्लस किया है, प्लस करने के बाद जो आंस आया ना हमारा, उस आंस को हमने तीसरी वाली अमाउंट के साथ प्लस करना है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर वाली अमाउंट है, यहाँ पे एक्स है तो इसके नीचे एक्स वाली ही अमाउंट है। देखिए यहाँ पे सिंपल है तो इसके नीचे सिंपल अमाउंट ही आई है। बेटा इनको आपने ऐड करना है और ये आपका आंस आ जाएगा। बेटा इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं 6 हैं, तो बेटा ये आपने कोई ट्राई करना, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व किया ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन होंगे। बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना इसको आपने। बेटा पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है -4x फ्रॉम x प्लस 1, x प्लस 1 से आपने -4x को माइनस करना है। फ्रॉम का मतलब है कि इस अमाउंट में से इसको माइनस करना है। देखिए ये अमाउंट मैंने ऊपर लिखी है और इसके बाद मैंने नीचे लिखा है -4x। बेटा ये आपने याद रखना है, जब भी सब्ट्रैक्ट करें इनके साइन भी चेंज करने हैं। इस अमाउंट के साथ कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया है, इसके साथ तो माइनस है, लेकिन बेटा इसकी साइन भी आपने चेंज करनी है। यहाँ पे माइनस है ना, इसका मतलब यहाँ पे प्लस आ जाएगा। जब भी सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन आएंगे अलजेब्रा में, तो बेटा आपने इनके साइन भी ज़रूर चेंज करने हैं। ये साइन जो है ये अब ख़त्म हो गया है, इसको नहीं आपने देखना, अब इसको आपने देखना है। इसके साथ अब प्लस है, माइनस ख़त्म हो गया, इसका प्लस प्लस प्लस। 4x में x ऐड करें कितनी बनती है, 5x। देखिए प्लस 1 है, ये प्लस 1 एज इट्स नीचे आया। बेटा इसके पार्ट्स हैं 7 पार्ट्स हैं। बेटा जैसा मैंने क्वेश्चन 1 किया ना, सेम टू सेम वैसे ही रिमेनिंग पार्ट्स होंगे, ये आपने कोई ट्राई करना है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बेटा जो आपको एक्सप्रेशन दिए गए हैं ना, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिखा है, बेटा ये देखें ए प्लस बी प्लस इंटू 2a - b है। बेटा इसमें आपने क्या करना है कि जो जिनके वेरिएबल सेम होंगे वो अलग अमाउंट्स कर लें, जिनके वेरिएबल सेम मतलब कि हर वेरिएबल को अलग अलग आपने सेपरेट करना है, ए वाली वैल्यूज़ को अलग और बी वाली वैल्यूज़ को अलग। ये देखें ए प्लस बी है, मैंने इनकी ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दिया है, प्लस 2a - b है। फिर यहाँ पे ए है ना पहले आता, देखिए मैंने ए वाली अमाउंट्स को अलग कर दिया है। इसके बाद है 2a मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद है प्लस बी, बी को मैंने साइड पे कर दिया। फिर माइनस भी है, देखिए माइनस भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बेटा ए वाली अमाउंट्स यहाँ इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस प्लस। 2a में से एक ए ऐड करें कितने बनते हैं, 3a। बेटा यहाँ पे प्लस बी है और ये माइनस भी है, प्लस बी में से माइनस भी निकल सकता है, बताइए नहीं ना निकल, ये कटिंग भी हो रहे हैं।
अगर इसको निकालने से जीरो आता है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको कटिंग ही कर दी है। तो आपका आंसर क्या आया है? 3A। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया है, सेम रिमेनिंग पार्ट्स भी ऐसे ही होंगे।